ऑल्टो के प्राइस में आज आपको मर्सिडीज दिया जाएगा। फर्स्ट ओनर है, 14,000 रिवेन, ओनली 14,000 रिवेन, इंडियन जी वैगन बोलते हैं कुछ लोग इसको। इस गाड़ी का दाम हम बहुत ही कम रखने वाले हैं, इतना कम कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दो ब्रेजा है, दो क्रेटा है, 3 लीटर V6 इंजन है। ये गाड़ी तो मार्केट में मिलता ही नहीं, इसका दाम क्या रखे। वैसे तो है 1 करोड़ का गाड़ी, मार्केट में तो आर्टिगा लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। 440 में दे देंगे इसको, 440 में दे देंगे। 31,000 रिवेन है और इसका VDI ऑटोमेटिक है। ये डीजल वेरिएंट में है, ये भी डीजल है लेकिन ये मैनुअल है और ये ZDI प्लस डुअल टोन है। ये इतना लंबा गाड़ी है कि मतलब एक ट्रक जैसा लगता है। शादी में आपको रेंट लेने की जरूरत नहीं है, खरीद के लेके जाइए। 20,000 रुपया रेंट है इसका। हाँ, अगर आप इसको खरीद के भाड़ा भी खटाएंगे ना, 20,000 रुपया आपको मिलेगा। इनकम का भी स्कोप है इस गाड़ी में। मेरा सारा गाड़ी का पैन इंडिया लोन हो जाएगा, पैन इंडिया लोन हो जाएगा। मिनिमम 40-50 डाउन करना होता है, बाकी पूरा लोन में कर दे। इसका ड्रिवेन बहुत कम है, 31,000 ड्रिवेन है। इसका बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, गाड़ी एकदम इमेक्यूलेट कंडीशन में है। ये जीटा मॉडल, इसका प्राइसिंग हम बहुत अट्रैक्टिव रखने वाले हैं, 5,80,000। पूरा मार्केट में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा 630 के नीचे। 5,80,000, 5 लाख और चैलेंजिंग करते हैं। चलिए 5,75,000 आपके लिए, 5,75,000। हाँ, 70 में खत्म करिए ना। अच्छा चलिए 5,70,000 में, 5,70,000 में लेके जाइए। 19 की गाड़ी, जेटा वेरिएंट है ये दोस्तों। हाँ। मेरे एक सब्सक्राइबर कमेंट किए थे, इग्निस दिखाइए ऑटोमेटिक में, ये रही आपके लिए। लाइफ टाइम टैक्स 450 में छोड़ देंगे, 450। चैलेंजिंग प्राइस, मार्केट में कोई दे ही नहीं पाएगा। 4.5 लाख में मर्सिडीज लेके आइए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू डीलरशिप में, विधान नगर में आ चुका हूँ आज मैं, सॉल्ट लेक में। इस डीलरशिप का नाम है कार ओ बार। यहाँ पे आपको मिक्स रेंज की गाड़ियाँ मिलेगी, ऑडी, मर्सिडीज, BMW से लेके मिड रेंज की गाड़ियाँ, हैचबैक, सेडान, SUV, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ही पार्किंग में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज देखेंगे इनकी कलेक्शन, इनकी प्राइसिंग और गाड़ियों की क्वालिटी कैसी होने वाली है। और अगर आप चैनल से नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप कहां से वीडियोस देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। मुलाकात करते हैं यहाँ के जो ओनर है, अभिषेक भैया से। वेलकम अभिषेक भैया। थैंक यू, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस चल रहे हैं, आप लोगों की दुआ से चल रहे हैं। आपके पास तो बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन देख रहा हूँ मैं आज। तो प्राइस कैसी होने वाली है? एकदम चैलेंजिंग। मेरा देखिए प्राइस जो है ना वो एकदम मतलब, जहाँ आपको जितना भी गाड़ी यहाँ पे दिख रहा है सब मार्केट में एकदम नीश प्रोडक्ट है। मतलब ये सारा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता नहीं है। जैसे कि बलिनो अल्फा मिलता है, बहुत कम मिलता है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मर्सिडीज C क्लास, ये भी मिलता है लेकिन C क्लास ऐसा कंडीशन में आपको बहुत कम मिलेगा। वहाँ पे देखिए जैगुआर मिलेगा, BMW मिलेगा। और जो प्राइसिंग रहता है वो एकदम मार्केट में बेस्ट प्राइसिंग हम लाके देंगे, बेस्ट प्राइसिंग ही चाहिए, बेस्ट प्राइसिंग ही देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली गाड़ी से। शुरुआत करते हैं बलिनो अल्फा से। बलिनो अल्फा है ये, कब की है? ये 2016 का मॉडल है, 2026 तक टैक्स है इसका। ये सेकेंड ओनर है और इसका मतलब एकदम बहुत अच्छा कंडीशन है। बम्पर छोड़ के पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। अच्छा, कितनी चली हुई है ये? चली है आपका 56,000, 56,000 चली हुई है। प्राइस क्या मांग रहे हैं? प्राइस इसका बहुत ही कम मांग रहे हैं, 4,60,000। 4,60,000 में 16 की गाड़ी मिल रही है, 26 तक टैक्स। अल्फा मॉडल, टॉप मॉडल। मैनुअल है या ऑटो? मैनुअल है, मैनुअल है में है। अगली और एक बलेनो देख सकते हैं। उससे पहले लोन वगैरह का क्या मैटर है? पैन इंडिया, सारा गाड़ी का पैन इंडिया लोन हो जाएगा, पैन इंडिया लोन हो जाएगा। मिनिमम 40-50 डाउन करना होता है, बाकी पूरा लोन में कर देंगे। कोई भी गाड़ी, कोई यहाँ पे पैन इंडिया लोन अवेलेबल है दोस्तों। अगली गाड़ी देख सकते हैं बलेनो। ये बलिनो है, 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। इसका ड्रिवेन बहुत कम है, 31,000 ड्रिवेन है। इसका बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, गाड़ी एकदम इमेक्यूलेट कंडीशन में है। ये जीटा मॉडल है, बलिनो जीटा मॉडल है, मतलब सेकंड टॉप है ये, सेकंड टॉप है। टॉप मॉडल में अल्फा होता है, उसमें बैक कैमरा और कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज रहता है, इसमें बस वही नहीं रहता। और इसमें एक चीज अच्छा है कि डायमंड कट अलॉयज है जी, इसमें देख सकते हैं आप लोग, डायमंड कट अलॉयज दी हुई है। एग्जैक्टली। इसका प्राइसिंग हम बहुत अट्रैक्टिव रखने वाले हैं, 5,80,000। पूरा मार्केट में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा 630 के नीचे। 5,80,000 और चैलेंजिंग करते हैं। चलिए 5,75,000 आपके लिए, 5,75,000। हाँ, 70 में खत्म करिए ना। अच्छा चलिए 5,70,000 में, 5,70,000 में लेके जाइए। 19 की गाड़ी, जेटा वेरिएंट है ये दोस्तों। मेरे एक सब्सक्राइबर कमेंट किए थे, इग्निस दिखाइए ऑटोमेटिक में, ये रही आपके लिए। ये इग्निस है, ऑटोमेटिक है, 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ये 30,000 के आसपास चली हुई है, 29-30 के आसपास चली हुई है और एकदम इमेक्यूलेट कंडीशन में है। ये भी जीटा मॉडल है और इसका 2028 तक टैक्स भी दिया हुआ है जी। इसका भी प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव रखने वाले 5 लाख में, 5 लाख में 5 लाख में 495 कर दिए। चलिए आपके लिए 495 की 490 कर देते, 490 कर देते। 490 में इग्निस जो कमेंट किए थे लेके जाइए दोस्तों 490 में। अगली गाड़ी आर्टिगा। आर्टिगा तो खौफ है मार्केट में, मार्केट में तो आर्टिगा लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं जी। ये 2013 का मॉडल है, 2020 तक टैक्स दिया हुआ है, 45,000 ड्रिवन है, फर्स्ट ओनर है, एकदम इमैक्यूलेट कंडीशन देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। ये पेट्रोल है वैसे जी। इसका प्राइस हम बहुत ही कम ही रखने वाला है, 440 में दे देंगे इसको, 440 में दे देंगे। 13 की गाड़ी, 23 नहीं 28 तक टैक्स है। हाँ, मेरा कोई भी गाड़ी टैक्स फेल नहीं है। अच्छा, ये VXI वेरिएंट है। VXI वेरिएंट आपको तो बहुत सारा नॉर्मल गाड़ी दिखा दी जो सिटी में बहुत सारा ऐसे ही चलता है। अब थोड़ा प्रीमियम में आते हैं, ज्यादा प्रीमियम अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा प्रीमियम में आ जाते हैं। ये एक BMW है जो लोगों का बहुत सपना होता है, ये ऐसा गाड़ी चलाना। मतलब गाड़ी तो वैसे 50-60 लाख की मिलती थी उस टाइम पे, लेकिन हम इसको छोड़ दे रहे 4 लाख में। 4 लाख में क्या बात, 4 लाख में BMW। बलेनो नहीं लेके BMW लेंगे। बलेनो से सस्ता है BMW, बलेनो से भी सस्ता है BMW, से सस्ता है BMW। 4 लाख में, 4 लाख में लेके जाइए। कब की है ये? 2011 की मॉडल है, 2026 तक ड्रिवन है, डॉक्टर ड्रिवन है, देख सकते हैं आपको। इसको कंडीशन देख के 11 की लगती नहीं है। टैक्स इसका 2026 तक पेड है, 91,000 ड्रिवन है, जेन्युइन ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड। पेट्रोल या डीजल भी गाड़ी है, सर्विस रिकॉर्ड के बिना नहीं है। पेट्रोल नहीं है, ये डीजल है। अब वेरिएंट कौन सी है? 320D 2011 टेक्सटाइल 2026 4 लाख में। 4 लाख में BMW लेके जाइए। लोन हो जाएगा ना? नहीं, इसमें लोन नहीं होगा, 2012 के बाद से गाड़ी के लोन होगा। आपको दिखाएंगे एसयूवी की कलेक्शन, 4 एसयूवी खड़ी है, क्रेटा और ब्रेजा। 2 ब्रेजा है, 2 क्रेटा है। एसयूवी का बहुत ही डिमांड है मार्केट में। ये ऑटोमेटिक मेरे पास दो एसयूवी है, एक क्रेटा ऑटोमेटिक है, एक ब्रेजा ऑटोमेटिक है। आते हैं इस पे, ये 2018 की ब्रेजा है, इसका फर्स्ट ओनर है, 31,000 रिवन है और इसका VDI ऑटोमेटिक है, डीजल ऑटोमेटिक है। ये वाला गाड़ी मार्केट में मिलता नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक में बहुत ही कम मिलता है। मेरे पास एक आ गया है, बहुत लकीली आ गया है। हम इसको प्राइस भी बहुत कम में छोड़ दे रहे हैं, 6,60,000 पे। 6,60,000 पे। अगली गाड़ी पे बढ़ते हैं, ये डीजल वेरिएंट में है। ये भी डीजल है लेकिन ये मैनुअल है और ये ZDI प्लस डुअल टोन है जी। देख लीजिए, पुश स्टार्ट है, अलॉय व्हील्स है, एयरबैग है, सब कुछ है, डुअल टोन है, सब कुछ है गाड़ी में। 16 लाख की गाड़ी है, हम इसको छोड़ देंगे आधा दाम में, 7,30,000 में। 7,30,000 ZDI है, ZDI प्लस डुअल टोन में, एकदम टॉप मॉडल है, डीजल। अब आते हैं क्रेटा। कब की है अगला गाड़ी? क्रेटा पे, ये दोनों क्रेटा ही 2015 की है जी। ये बहुत ही अच्छा कंडीशन में आप देख रहे हैं, फर्स्ट ओनर है, ये 42,000 ड्रिवन है और इसका टैक्स 25 तक पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हम इसको छोड़ देंगे 7 लाख पे, डॉट 7 लाख में। 7 लाख 690 में छोड़ देंगे। 690, चलिए 690 में छोड़ देते हैं। अगली गाड़ी है, ये भी क्रेटा है, 2015 का मॉडल है, 25 तक टैक्स भी है, फर्स्ट ओनर है। ये 45 या 50 के आसपास ड्रिवन है, लेकिन ये SXO ऑप्शनल डीजल पुश स्टार्ट है और ये टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक। ये भी टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है, ये भी SX पुश स्टार्ट। दोनों ही ऑटोमेटिक है? नहीं, वो मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक। ओह अच्छा, हाँ, दोनों ही टॉप मॉडल है, पुश स्टार्ट है, बस ये ऑटोमेटिक है। ये वाला गाड़ी हम छोड़ देंगे 7,40,000 में। 7,40,000 में दे देंगे। 7,40,000 में। बोलेरो मार्केट में बहुत ही डिमांड है इस गाड़ी का। इंडियन जी वैगन बोलते हैं कुछ लोग इसको। 2012 की मॉडल है, 2027 तक टैक्स दिया हुआ है, सेकंड ओनर है, 72,000 रिवेन है, लेकिन गाड़ी एकदम इमैक्यूलेट कंडीशन में है। बम्पर छोड़ के पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, आप देख सकते हो। इस गाड़ी का दाम हम बहुत ही कम रखने वाले हैं, इतना कम कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, 3,40,000। 3,40,000 2012 का गाड़ी है, 2027 तक इसका टैक्स दिया हुआ है। 3,20,000 में बॉर्डर लेके जाइए। 3,40,000। चलिए आप 20 बोल दिया, 20 में लेके जाइए। आइए अगली गाड़ी, ये है हुंडई की वर्ना। ये डीजल है, ये ऑटोमेटिक है, डीजल ऑटोमेटिक। ये वाला शेप का वर्ना बहुत कम मिलता है, ये ज्यादातर पहाड़ों पे चलती है जी। ये इसका पावर बहुत अच्छा है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है इसमें, माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, 15-16 की एवरेज निकाल के दे देती है। जिन लोगों को मैनुअल चलाने में दिक्कत है वो लोग ये ऑटोमेटिक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब 2 लाख में ऑटोमेटिक क्या ही मिलेगा जी। ये वाला गाड़ी 2 लाख में हम दे रहे हैं। 2 लाख ऑटोमेटिक का गाड़ी है, 2024 तक टैक्स है, फर्स्ट ओनर, 40-50 के आसपास ड्रिवन है। कुछ मॉडिफिकेशन है आप बता रहे थे? कुछ मॉडिफिकेशंस है, अंदर इंफिनिटी का स्पीकर वगैरह लगा हुआ है और कुछ नहीं है। नहीं, बस यही है। प्राइस का मॉडिफिकेशन किया, प्राइस मांग रहा है 2 लाख रुपया। 2 लाख में लेके जाइए। अगली गाड़ी देख सकते हैं, मर्सिडीज। ये मर्सिडीज का C क्लास है, इसका भी लाइफ टाइम टैक्स है, 2010 का मॉडल है, ये पेट्रोल वेरिएंट है, सनरूफ मॉडल है, एकदम टॉप मॉडल है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, देख सकते हैं। इस गाड़ी में भी कोई काम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस इस गाड़ी को हम छोड़ देंगे 4,50,000 में, 450 में छोड़ देंगे। 2010 का मॉडल, लाइफ टाइम टैक्स, 450 में छोड़ देंगे। 450 चैलेंजिंग प्राइस, मार्केट में कोई दे ही नहीं पाएगा। 4.5 लाख में मर्सिडीज लेके आइए, लाइफ टाइम लेके जाइए। बलिनो इग्निस सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। अब आ जाते हैं होंडा सिटी में। होंडा सिटी पे ये बहुत ही मतलब कॉमन गाड़ी है, बहुत लोग इसको डिमांड करते हैं। 2010 का मॉडल है, 2024 तक 25 तक टैक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ओनर है। ये भी 28,000 के आसपास चली हुई है, बहुत ही कम चली है। कंडीशन देख के आप समझ सकते हो कि बम्पर टम्पर ओरिजिनल पेंट है इसका, कुछ प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में। ये आपको दे देंगे 2,20,000 पे, 2,20,000 में, 2,20,000 में दे देंगे। और कुछ हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत, चले 2,15,000 कर देता है, 2,15,000 में लेके आइए। अगला जो गाड़ी है, आते हैं हम लोग का मर्सिडीज। एकदम प्रीमियम सेडान सेगमेंट में आता है, बहुत ही लंबा गाड़ी है। ये इतना लंबा गाड़ी है कि मतलब एक ट्रक जैसा लगता है। 2010 की मॉडल है, 2025 तक टैक्स दिया हुआ है। ये 10 की मॉडल है, 10 की मॉडल है, सच बात है, लेकिन न्यू शेप है। 10 का मॉडल में गोल लाइट आता है, ये न्यू शेप वाला 10 का मॉडल। अच्छा, ओरिजिनल पेंट है पूरा कि थोड़ा टचअप है? बम्पर में टचअप है, बाकी पूरा ओरिजिनल पेंट है। बहुत कमाल की कंडीशन है, कमाल की कंडीशन। इंटीरियर आप देखिएगा तो मतलब एकदम पागल हो जाएगा, देख पा रहे होगा स्क्रीन पे। एग्जैक्टली, इतना अच्छा कंडीशन मिलता नहीं है मर्सिडीज। इसका 2025 तक टैक्स है, 2010 का मॉडल है। हम इसको दे देंगे 6.5 लाख में, 6.5 लाख में, 6.5 लाख में मर्सिडीज। और कुछ देख लीजिए, और कुछ थोड़ा, और कुछ चलिए ठीक है, 640 कर दीजिए, 640 में लेके जाइए। ऑडी विद ब्लैक एलॉयज, ब्लैक एलॉयज के साथ ऑडी, वो भी व्हाइट कलर में। दूल्हा गाड़ी लोग बोलते हैं इसको, दूल्हा गाड़ी। जो भी दुल्हन को ले जाने के लिए दूल्हा गाड़ी लेना चाहते हैं वो लोग आके ले सकते हैं। शादी में आपको रेंट लेने की जरूरत नहीं है, खरीद के लेके जाइए। 20,000 रुपया रेंट है इसका। हाँ, अगर आप इसको खरीद के भाड़ा भी खटाएंगे ना, 20,000 रुपया आपको मिलेगा। इनकम का भी स्कोप है इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी है 2012 की, इसलिए इसमें लोन भी हो जाएगा जी। लाइफ टाइम टैक्स है इसका, टैक्स भी नहीं भरना हुआ, इंश्योरेंस पेड है, फर्स्ट ओनर है, 32,000 रिवेन है, सर्विस रिकॉर्ड है। और क्या चाहिए? इसको हम दे दे रहे 8.5 लाख में, 8.5 लाख में, 8.5 लाख में। लोन हो जाएगा इसमें, लोन हो जाएगा, पूरा लोन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पूरा ही लोन हो जाएगा। ये हम वैल्यूएशन के नीचे बेच रहे हैं तो 100% लोन करवा देंगे इसमें, 100% लोन हो जाएगा। कमाल की कंडीशन है, आइए देखिए, चला के देखिए, चला के देख सकते। स्क्रीन पे नंबर चल रही है, कोई इंक्वायरी हो तो कॉल कर लीजिए। एग्जैक्टली, मर्सिडीज। अब आते हैं ये मर्सिडीज पे। मर्सिडीज अब तो चैलेंजिंग प्राइस इसमें और थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें और थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग प्राइस चाहिए एकदम। चलिए आपके लिए 2.5 लाख में, 2.5 लाख में, 2.5 लाख में मर्सिडीज सी क्लास। 2026 तक सीएफ है, 2006 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 14,000 रिवेन, ओनली 14,000 रिवेन है, 14,000 चली हुई गाड़ी है। ऑल्टो के प्राइस में आज आपको मर्सिडीज दिया जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी मैनुअल है, मैनुअल है, मिलता नहीं है मर्सिडीज, मैनुअल मिलता नहीं है। ऑल्टो के प्राइस में मर्सिडीज लेके जाइए जी। देख सकते हैं दोस्तों, जैगुआर अगली गाड़ी। ये बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, ऐसा प्रीमियम गाड़ी मार्केट में बहुत ही कम मिलता है। 2016 का जैगुआर है, 2026 तक ड्रिवन है, 3 लीटर V6 इंजन है, V6 सिलेंडर इंजन है इसमें। और ये जैगुआर मतलब आपका जो ये है, ये स्पोर्ट्स मॉडल है। अच्छा, ये अलग से इसके पीछे डिफ्यूजर लगा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है कंपनी से, मतलब जैसे आता है उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन जो है एकदम प्रीमियम कंडीशन में। कंपनी का नाम से गाड़ी था, ड्राइवर चलाते थे, सर्विस रिकॉर्ड है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है, रिसेंटली सर्विस होके आया है। गाड़ी में 5 रुपया का खर्चा नहीं है। ये गाड़ी तो मार्केट में मिलता ही नहीं, इसका दाम क्या रखे। वैसे तो है 1 करोड़ का गाड़ी, छोड़ देंगे हम 21 लाख में। 1 करोड़ का गाड़ी 21 लाख में लेके जाइए। अगली गाड़ी होने वाली है होंडा सिटी। होंडा सिटी ये भी इसी की तरह होंडा सिटी है, लेकिन इसमें बहुत ही मतलब एक कूल फीचर है कि ये होंडा सिटी में सनरूफ है। पेट्रोल गाड़ी है, मैनुअल है, 2017 का मॉडल है, डायमंड कट एलॉय है, पुश बटन स्टार्ट है, सब कुछ है। इस गाड़ी को तो खोलना भी नहीं पड़ता, चाबी पॉकेट में रखिएगा, हैंडल में हाथ दीजिएगा, गाड़ी खुल जाएगा। 2017 का यूनिट है, 2027 तक इसका टैक्स दिया हुआ है। ये ब्रिजेट जोन्स फैशन इंडस्ट्री की कंपनी के नाम से गाड़ी है और इनका खुद ड्रिवन है बाय जेसिका जोन्स, जो कि एक जानी मानी सेलिब्रिटी है हमारे कलकत्ता में। इसका दाम हम बहुत ही कम रखने वाले हैं, 6,99,000, 6,99,000 में हम 17 का होंडा सिटी छोड़ देंगे।